inict results are out, and there are three group of people now. Number one, those who are the toppers, they are elated. Number two, those who have got a borderline rank, and they are deciding whether to take seat from set or from needpg whether they would get your dream stream in set or not. And number three, those who are depressed with the rank that they are not going to get the desired branch of choice. So, hello everyone, I am Dr. Mayu first-year dermatology resident, and I am going to cater all these three groups. First thing that you need to know that what is the cutoff, what is the expected cutoff of the July INI set. So, for a reference, I have taken the round one cutoff of Jan INI set, that is the last INI set that was conducted in the November month. So, this is a rank. जैसे कि आई हैव अरेंज अकॉर्डिंगली द टॉप ब्रांचेस देयर कट ऑफ ऑफ एवरी कास्ट एंड कैटेगरी सो रेडियोलॉजी में 116 है सो so इस बार बढ़ के शायद ये वाला 140 तक चला जाए यू में यू का ही मैं बात कर रहा हूँ अभी सो जनरल मेडिसिन में 239 था तो वो बढ़ के हो सकता है कि 270 हो जाए सो so थोड़ा सा बढ़ेगा बिकॉज

पैथोलॉजी सो so, ये सारा स्ट्रीम को लिया और दो को स्ट्रीम हैं जो कि बहुत ही इन डिमांड है मेनली द न्यूक्लियर मेडिसिन सो न्यूक्लियर मेडिसिन द कट ऑफ गोज अबाउट 500 पकड़ के रखो इन यू आर एंड केस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इन्फेक्शियस डिजीज का भी वैसे ही रहता है 500 हंड्रेड टू सिक्स यू आर में जाता है एम्स दिल्ली में ही सीट है और रेस्पिरेटरी मेडिसिन भी है इन जिपमर यू कैन गेट इट बाई फोर हंड्रेड रैंक ये सारा पकड़ के चलो ठीक है इतने के अंदर में रैंक रहे इससे कर लेना तो उसके अंदर रैंक रहे तो फिर तुमको कॉन्ग्रेचुलेशन बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट योर ड्रीम ब्रांच इन एनी ऑफ देंट्रल इंस्टीट्यूट नाउ कमिंग वो डू इफ इन बॉर्डर लाइन रैंक एंड यू आर नॉट गेटिंग योर डिजायर स्ट्रीम See, for an example, you have a rank of 320 and you are desiring for medicine, but you are not getting medicine from the INICT exam in any AIMS. So should you go for pediatrics in an AIMS or should you go for medicine through NEET PG exam? Because you have done a really great job by a 300 rank. So you are going to perform well in the NEET PG also. तो इन दिस केस द ब्रांच इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन द इंस्टीट्यूट दिस यू शुड अंडरस्टैंड ठीक है इंस्टीट्यूट का ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं होता है मैं बाद में बोल रहा हूँ इसके बारे में एंड ब्रांच बहुत लोग होते हैं ना कि टॉप कर लिए बट ब्रांच को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं तो उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बट मोटा मोटा तौर पर कैसे करके ब्रांच सिलेक्ट करना पड़ता है वो मैं बोल देता हूँ बिकॉज लाइक दिस ऑनली फ्रॉम माई फाइनल ईयर ओनली

एमरजेंसी मेडिसिन फैमिली मेडिसिन है इन्फेक्शियस डिजीज है सो मेडिसिन पीडियाट्रिक्स पीडियट्रिक्स इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड फैमिली मेडिसिन डिजीजर और एक गो ग्रुप है जिसका मेन प्रायोरिटी है वर्क लाइफ बैलेंस

साइकट्री सो साइकिया इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रीम मतलब तुमको लगा कि मेरे रैंक में साइकियट्री अच्छा जगह हो जा रहा है तो मैं ले लेता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए यू हैव टू बी पैशनेट एज अ साइकिएट्रिस्ट बिकॉज दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइन ओके सो यू हैव टू चूज योर प्रायोरिटी योर प्रायोरिटी इज टू लर्न मेडिसिन योर प्रायोरिटी इज वर्क लाइफ बैलेंस और योर प्रायोरिटी इज सर्जरी और योर प्रायोरिटी इज साइक्री नहीं मेरे को मेडिसिन मिला तो मेडिसिन लेंगे नहीं तो सर्जरी लेंगे सो सी दिसोजिट पोल्स इन विच ग्रुप फॉल ऐसा हो सकता है बट आई थिंक मोटे मोटे तौर पर यू शुड डिसाइड योर प्रायरिटी एंड चूज योअर ब्रांच अकॉर्डिंगलीन यू विलेस कंफ्यूज आफ्टर दैट आई वु सजेस्ट यू एवरी वन हैज गिवेन दी वेल Uh, they should also give the NEET PG seriously and do the simultaneously INICT counseling to see if you are getting a better college of your desired stream or not. If you are getting that, go for it. So simultaneously don't continue continue. Yes, AIMS tags matters, but in the long run it doesn't matter. tag mil and when I go to practice, I would earn in Crores, but that doesn't really happen. I think more than the M what matters is your personal satisfaction and uh, your work-life balance. What is your priority? Your priority matters the most. If your priority is the M yes, you should go for the M I also left Malanaza Medical College. It has a great tag, but I left it because. because of that, I make videos here. जानता नहीं हूँ तुम लोगों को हेल्प कुछ हो रहा है कि नहीं बट आई लाइक मेकिंग वीडियोस मेरे को थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए था एंड देर वर मेनी डिफिकल्टीज आई हैव डिस्कस्ड इन अ वीडियो यू कैन गो इन द आई बटन एंड सी दैट वीडियो तो बहुत सारे डिफिकल्टीज हो रहा था तो मैं सोच लिया कि मैं अपना फिल्मा मैटर इंस्टीट्यूट में ही लूँगा एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट सो मेनी थिंग्स प्ले अ रोल इन द पेशेंट पुल लाइक गॉड फादर इफ यू आर हैविंग अ गॉड फादर then you can learn great things and he is going to send his patients to you and he is going to recommend you so godfather to तो मेरे पास नहीं है Advertisement also plays a major role jo जो मेरे पास नहीं है सोशल मीडिया एंड पब्लिक इन्फ्लुएंस अभी तक तो मैं पेशेंट्स को सोशल मीडिया में इंफ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ तो ये भी मेरे पास अभी तक नहीं है कम्युनिकेशन की स्किल्स आई थिंक आई हैव रेटी गुड सो ये वाला है एंड रैशनल मेडिसिन प्रैक्टिस ये वाला है तो ये सारा पाँच पॉइंट्स ज्यादा इम्पॉर्टेंट है रेदर देन योर एकेडमिक्स क्योंकि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो हम लोगों के आई डी के प्रेसिडेंट हैं स्टेट ब्रांच के ही इज नॉट एम डी डरटोलॉजी ही इज डिप्लोमा डरमेटोलॉजी स्टिल ही इज द ग्रेटेस्ट डरमेटोलॉजिस्ट ऑफ कोलकाता बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ चैनलिंग बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स बिकॉज ऑफ द बिजनेस लाइक द टॉप कॉस्मेटिक सर्जन और द प्लास्टिक सर्जन

वो बात नहीं है और सब लोगों का प्रायोरिटी इनकम होता भी नहीं है बहुत लोगों का प्रायोरिटी वर्क लाइफ बैलेंस होता है फैमिली लाइफ होता है सो डोंट ओवर स्ट्रेस अपॉन दैट कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जस्ट फॉरगेट अबाउट द पास्ट एंड फोकस ऑन योर प्रेजेंट सो हेनरी विलियम वो का मैं कुछ लाइन्स बोलूँगा ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउ एवर प्लेजेंट लेट द पास्ट पास इट स्टेट

300 bookmarks of your q bank then you again review them make it 200 and on the last day you should have only 50 and you revise those 50 while going into the car in your exam center take all volatile points on your 20th notebook give at least 2 gt's and 1 cbt wholeheartedly before the NEPG exam make your weak area stronger that you can assess by giving the gt only and last 7 to 10 days, read the important list of neat PG topics given by me. The link of the video is in the i button, you can see. And the, the don'ts don't talk too much with the fellows who have got great rank because they can cause you depression. Don't talk much to fellow aspirants because. दे कैन लीड यू टू फोमो कि मैंने तो ये वाला ऐप ट्राई किया है ये वाला ऐप ज़्यादा बेहतर है इसमें इसमें से ज़्यादा रैंकर्स निकल रहे हैं तो फोमो में डाल सकते हैं या फिर कितना पड़ा है ये सब लेके ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर सकते हैं तुमको तो अपने नॉर्मल स्कूल के दोस्तों के साथ बात करो अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बात करो फैमिली के साथ बात करो जो लोग आपका स्ट्रेस को रिलीव कर सकें बट यू कैन डू With the fellow aspirants, if they are well wishers they can help you in the preparation also. Madlab, as a study partner, I used to review GD with my friends and we used to give inputs. So, if healthy, then you can do And don't overthink. Isko leke zyada mat overthink karo. You have to get down on track and give the need PG. And uh, the Telegram channel where you can get all the notes and all the neat PG. Important topics list is medical magic. You can get in the description box below, or in my account. If you open my YouTube account, you can directly get the link. And in Instagram, my account name is Dr. mayukhajra And I post some educational reels Ekukawasaki kawasaki disease ka reels be post tha and wo wala abhi in the INI set this year. So you can go follow me there. So all the best for your neat PG. Bye bye.